देश में कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आम हो या खास, कोरोना सबकी जान लेने पर तुला है। अब भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का कोरोना से निधन हो गया। वरिष्ठ वकील पूर्व अटॉर्नी जनरल पद्म विभूषण से सम्मानित सोली सोराबजी का 91 साल की उम्र में शुक्रवार की सुबह निधन हो गया। सोली सोराबजी का जन्म 1930 में बॉम्बे में हुआ था। सोली सोराबजी दो बार भारत के अटॉर्नी जनरल रहे, पहली बार 1989 से 1990 तक, दूसरी बार 1998 से 2004 तक उन्होंने ये पद संभाला। आपको बता दें कि सोली सोराबजी 1953 से बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। 1971 में वह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल बने। इसके अलावा 1997 में यूनाइटेड नेशन ने उन्हें नाइजीरिया में विशेष दूत बनाकर भेजा था ताकि वहां के मानवाधिकार के हालात के बारे में पता चल सके। सोली सोराबजी अभ्यर्थ की स्वतंत्रता के बड़े पक्षधर रहे थे। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कई ऐतिहासिक मामलों में प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव किया और प्रकाशनों पर सेंसरशिप आदेशों और प्रतिबंधों को रद्द करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।